So the fourth sum, so whatever, what is the question over here is, a wheel of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at the speed of 66 kilometer per hour? उन्होंने क्या बोला, एक कार है, that car is moving at the speed of 66 kilometer per hour. इसकी स्पीड है 66 kilometer per hour. So, 10 मिनट में हर एक व्हील ने कितना रेवोल्यूशन कवर किया रहेगा, मतलब व्हील्स कितना रेवोल्यूशन लिया रहेगा टू कंप्लीट दैट डिस्टेंस. सो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स. ओके, सबसे पहले हमारे काम का क्या है कि हमें पता लगाना पड़ेगा कि यार एक घंटे में वो 66 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, 66 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो एक घंटे में 66 किलोमीटर ट्रेवल करने वाली है, कवर करने वाली डिस्टेंस. सो उससे हमें पता लगाना है कि 10 मिनट में वो कितना ट्रैवल करेगी, बरोबर. एंड 10 मिनट के बाद ट्रैवल करने का हमें क्या पता लगाना है कि व्हील का सरकमफेरेंस कितना है, बरोबर. अब सपोज ये मेरा एक व्हील है, दिस इज माय व्हील, तो ये व्हील कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी एक रोटेशन में, इसका जो भी सरकमफेरेंस है उतना. अभी तुम बोलोगे कैसे, सो अगर ये व्हील इतना ट्रैवल करे, सपोज अगर ये व्हील को क्या करूं मैं, ओपन करूं, सो इफ आई ओपन द व्हील, सो दिस इज द डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करने वाली है, बरोबर, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो. सो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने को एक व्हील इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर, मतलब एक रोटेशन में उतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो जो भी डिस्टेंस मिलेगा उसको मैं अगर एक व्हील के रोटेशन से डिवाइड करूं तो मुझे सिंपली मिल जाएगा कि कितना नंबर ऑफ रोटेशन लगने वाला है. सिंपल है, अगर 10 एप्पल 100 रुपए के, करेक्ट, 10 एप्पल 100 रुपए के है मेरे, तो एक एप्पल का कॉस्ट कितना होगा, 10 रुपया, बरोबर. या एक एप्पल का कॉस्ट मुझे बोला है कि 10 रुपया, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि मैंने 300 रुपए में कितने एप्पल फाइंड खरीदे. सिंपली 300 डिवाइड बाई 10, दैट इज 30. सो सेम हम यहां पे वही करने वाले हैं, क्लियर. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नो ओवर हियर इज डायमीटर. What we know is the diameter. So diameter of the wheel. Diameter of wheel कितना है? That is 80 centimeter. But हमें diameter से कोई काम है क्या? नहीं. So हमें क्या find out करना पड़ेगा? We need to find the radius. We need to find the radius. Okay? Which is nothing but r. Radius of wheel. रेडियस ऑफ व्हील इज नथिंग बट 80 बाई 2, दैट इज नथिंग बट 40 सेंटीमीटर, डी बाई 2, ओके, दैट इज गोइंग टू बी द रेडियस ऑफ सर्कल. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी गॉट इज द रेडियस. तो रेडियस ऑफ क्या है तुम्हारा, सेंटीमीटर में है, करेक्ट, इट इज इन सेंटीमीटर्स. सो हमें क्या मिल गया रेडियस, 40 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड इज द सर्कमफेरेंस, क्योंकि सर्कमफेरेंस ही मेजर रोल प्ले करने वाला है यहाँ पे. So, what is the formula for circumference? Circumference is nothing but 2 pi r. It is nothing but 2 pi r. So, 2 pi r. What is radius? Radius is 40. So, it is nothing but 80 pi centimeter. This is the circumference of this wheel. This is the circumference of this wheel. Now, अभी एक हमें डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा कि एक व्हील जो है जिसका से, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एक रोटेशन में. सो डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन विल बी equals to how much, 80 pi centimeter था, तो pi common, obviously what we need to do is we need to convert it into the pi common निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें find out करना कि कितना उन्हें actually length cover किया, तो it is nothing but 22/7, okay, so what we can do is 22/8 is 176 and 10, 1760/7 centimeter, this is the distance traveled in one rotation, इतना distance उसने क्या किया है, एक rotation में travel किया हुआ है, ओके. सो वी गॉट द डिस्टेंस नाउ, कितना एक रेवोल्यूशन में से ट्रेवल किया. नाउ वी नो दैट द स्पीड ऑफ द कार,
स्पीड ऑफ द कार कितना 66 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो ये किलोमीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू, व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू द सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस कवर्ड इन, डिस्टेंस कवर्ड इन 60 मिनट्स बाय द व्हील्स इज इक्वल्स टू 66 किलोमीटर्स है, एक घंटे में उन्होंने ट्रैवल किया। द 66 किलोमीटर इज नथिंग बट 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100। अभी ये क्यों किया, एज यू नो 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, ओके, एंड 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, करेक्ट। सो पहले हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया, फिर वही मीटर को हमने क्या कर दिया, सेंटीमीटर में 100 कन्वर्ट किया। सो इट इज नथिंग बट 66 और 5 टाइम्स 0 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया 60 मिनट्स में। बट हमें क्या चाहिए था, हमें 10 मिनट के लिए चाहिए, हमें कितने मिनट के लिए चाहिए, 10 मिनट के लिए। अब ये जो डिस्टेंस है ये 66 मिनट्स के लिए, 60 मिनट्स के लिए, सो डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स विल बी 1/6 ऑफ दिस, करेक्ट, विल बी 1/6, तो दैट इज गोइंग टू बी 66,000 10^10^5 इंटू 1/6, करेक्ट। सो दैट इज नथिंग बट 115 टाइम्स 0 सेंटीमीटर। अब ये हो गया 10 मिनट्स में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया गया था, करेक्ट। अभी क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस फाइंड आउट करना है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बाय द व्हील्स, टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाय द व्हील्स विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, करेक्ट, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, बरोबर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड वॉज नथिंग बट दिस मच अपॉन सर्कमफेरेंस, कितना था हमें पता है, 1760/7, जो हमने पिछले किया था 1760/7, सो इट इज नथिंग बट 115 टाइम्स 0 अपॉन 1760 इंटू 7, ओके, करेक्ट। सो व्हाट वी कैन डू इज नाउ वी नीड टू फाइंड वैल्यूज, सो जस्ट इफ यू सॉल्व दिस व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज, ये किस में जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा, सारे टेबल्स में जाएगा, सो वी नीड टू सॉल्व ऑल दैट एंड फाइनली व्हाट वी कैन गेट इज, यू जस्ट नीड टू सॉल्व, आई हैव अ कैलकुलेटर एज ऑफ नाउ, सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज व्हेन यू डिवाइडेड बाय 25, अब यहाँ पे तुम देख रहे हो 110 है, ओके 11 है, ये भी 11 के टेबल में जाता रहेगा, 1+6 इज 7 एंड 7-7 इज 0, दैट मीन्स 11 के टेबल में जाएगा, सो वाई नॉट वी ट्राई विद 110, सो यू कैन सी फ्रॉम हियर इफ यू सॉल्व इट, इफ यू सॉल्व इट, सो ये 110 वन टाइम्स और 4 0, और ये 110 कितना टाइम्स कितना होगा, इट इज नथिंग बट 110 वनजा एंड 6 टाइम्स, ओके, सो इट इज नथिंग बट 16 टाइम्स, 110 16 टाइम्स। नाउ इफ यू अगेन डिवाइड दिस, सो इट इज गोइंग टू बी 16 वनजा 16, ओके 16, 6 इज 96, बचा 4, सो 16 टू इज 40 हो गया, तो 16 टू इज 32 एंड 16 5 इज 80, सो व्हाट यू गेट इज 625 ओवर हियर, सो फ्रॉम दिस व्हाट यू कैन कंक्लूड एट द लास्ट इज यू गेट 625 इनटू 7, सो योर फाइनल आंसर इज 4375, सो दिस इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, दिस इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। सो अ व्हील कंप्लीट, व्हाट डज द व्हील डू, व्हील कंप्लीट
4375 numbers of revolutions in 10 minutes. Getting? In 10 minutes. Samjhe? Cleared? Now moving on with the next sum. So the next sum is, it is said that it's a kind of MCQ, but you must solve karna padega. Tick the correct answer in the following and justify your choice. If the perimeter and the area of the circle are numerically equal, then the radius of circle is. अब क्या बोला हुआ है तुम्हें यहाँ पे क्या बोला हुआ है? Your what? Circumference is equal to the area. Circumference is equal to the area of circle, ऐसा बोला गया है. So कैसे, तो उसका तुम्हें क्या करना है? Radius find out करना है कि ऐसे कौन से केस में होता है कि जहाँ पे circumference का भी value भी same होता है और radius का value भी, area का value भी same होता है. ऐसे कौन से रेडियस के लिए चार में से. सो व्हाट यू कैन डू इज लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल को क्या लिख सकते हैं मैं, बी आर यूनिट्स. मुझे पता नहीं इसका यूनिट क्या होने वाला, सो इट इज गोइंग टू बी आर यूनिट्स. सो सिंस हम क्या करेंगे, सिंस वी नो दैट circumference is equals to area, correct? Circumference का value क्या होगा 2πr, area का value क्या होगा πr square, okay? From here pi pi cancel, एक और cancel, तो क्या बचा 2 बचा और एक r बचा, therefore r equals to 2 units. So जब radius r हो, जब रेडियस 2 यूनिट्स होगा, एट दैट टाइम योर सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू योर एरिया. गेटिंग? सो हियर वी कंप्लीट आवर फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर द चैप्टर. ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज.